सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर श्री बाबा स्वर्ग रचयिता, जो हम बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया में लेके जा रहे हैं, आज बाबा कह रहे हैं सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छिछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते हैं कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फास्ट क्लास होगी। निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। हम मल्लू अर्थात फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने खुशी का महामंत्र का ज्ञान दिए हैं कि दिन भर अगर हमारी बुद्धि में रहती है कि ये शरीर छोड़, ये छिछी शरीर छोड़ पति दुनिया के, अब हम नया दिव्य शरीर लेने वाले हैं, तो जी दिन भर अपार खुशी रहेगी और स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पति दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहां कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों के दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे, हमारा भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता, यह कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, फिर से बनने वाला है, और उस जैसा देश कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था परंतु अब नहीं है। बाबा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ये सारी बातें कि भारत कितना ऊंच था। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है, बेहद का बाप आया हुआ है, सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, कितना प्यार करना चाहिए बाबा को। बाबा कहते हैं माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितनी खुशी रहेंगे, हीरे जवाहरत के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह के भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चित्तियों वाला कपड़ा पहनो, मना फटा हुआ। भल बड़े आदमियों से, जवारियों से कनेक्शन था, मतलब फटा हुआ कपड़े को सिलाई करके, भले 108 फटा हुआ हो लेकिन उसको सिलाई करके वो पहन सकते हैं। देहवान निकालने के लिए इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। अभी भागते यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए, यह तो छिछी दुनिया है, इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर की तरफ जा रहा है। भागते अभ्यास तो करना पड़े, बिना अभ्यास से कैसे होगा।
अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। अपने आप से पूछें, क्या मुझे उतनी खुशी हो रही है? भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भक्ति एक दो को सुनाओ, मन मना भाव मतलब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। शिव बाबा याद है, यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई अब बाकी थोड़ा समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। भगते हम फरिश्ते बन के जाएंगे, बेहद का वर्षा देने के लिए भगवान स्वयं बाप कलप कलप आते हैं। भगते देखा जाता है नए आने वाले बहुत तिखे जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्या व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। हे तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग भी है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। आज बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं हमारी बुद्धि में टपकना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, तो हमें खुशी रहेगी। कोई भी दुख की परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। भक्त हैं देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, और हम कौन है? पापी हैं, कपटी हैं, हम निर्गुण हार में अब कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वो कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी है, पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो। जैसे हमारे चेहरे में कुछ ऐसे वैसे मेला लगा हुआ होगा तो हम आईने के सामने जाते हैं, देखते हैं और उसको साफ करते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो कि कितनियां कमी हैं। बहुत सारी कमियां थी, अब निकल रही है धीरे धीरे, अब पूरा निकलना है। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता है। भक्त भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, यहां तो पढ़ाई है, कृपा आदि की कोई बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार की हठयोग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठयोग के सिंपल देखने में हो तो जयपुर में म्यूजियम में जाकर देखो, यहां तो कितने आराम से बैठे हैं राजयोग। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी, अभी तो मनुष्य की वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। भगत वहां बहुत कम मनुष्य होंगे सतयुग में, क्योंकि हमें खुशी शांति आनंद प्रेम प्यार सतयुग में भरपूर होगा। इसलिए भागते हैं वहां चलना है तो श्रीमत पर चलो, बाप की मामिकम याद करो, तो जो पाप किए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। सिर्फ कहते हैं सोतो रोजो तमो, यह नहीं दिखाते हैं कि आत्मा में ही खाद पड़ती है दुनिया भर, क्योंकि हम आत्मा पति थे कोई नहीं कहेगा। बाबा कहते हैं अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन सिल्वर कॉपर फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकले कैसे? सोतो से तोमो, तोमो से फिर रोजो बन गई है, अभी संपूर्ण पावन बनना है। अब बाहर वाले क्या समझते हैं? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सोतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं, यह नियम रखो बाप को याद करने का। बाप की याद की किरणों के नीचे मैं आत्मा हूं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। फिर नई दुनिया होगी,
नई दुनिया में सब देवताएं होंगे। बाकी तो प्रजा बनती रहेगी, थोड़े भी कोई सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। यह ज्ञान जिसको भी आप सुनाओगे वो प्रजा बनते रहेंगे। बाकी सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। बाकी तो प्रोजेक्टर का फैशन निकला है, इस पर भी आप समझा सकते हो। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं, अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियों घर से लगा रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भाव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। वैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटेच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्त रूप और भविष्य राजपद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमाल लेंगे, मैं देव आत्मा हूं, नई दुनिया में जाने वाली हूं, मैं संपूर्ण पवित्र देवात्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाबा कहते हैं, खुशी में रहना है और जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो हमारी बुद्धि में टपकना चाहिए, मतलब चिंतन चलना चाहिए। निरंतर अनुभव करें, बाबा ने सहजयोग के बारे में बोला, निरंतर अनुभव करना है बाबा को और इस शरीर से डिटेच। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए 24 घंटा, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।